अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐसा बयान दिया जिसने भारत के बहुत से लोगों को गर्व का एहसास जरूर कराया होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि एशिया के दो बड़े देश चीन और भारत विकासशील देश नहीं रहे हैं, मतलब यह दोनों विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। उनका आशय यह है कि ये दोनों ही मुल्क चालू हैं जो खुद को विकासशील देशों की सूची में रखकर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO से विकासशील दर्जे के तहत मिलने वाले फायदे उठा रहे हैं। उन्होंने WTO को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन और भारत को इसके तहत मिलने वाले फायदे नहीं दिए जाए, चीन को इस दर्जे से अलग करे, वे भारत को भी अब विकासशील देश के दर्जे में नहीं रख सकते क्योंकि दोनों ही देश अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। गौरतलब है कि विकासशील देशों को WTO से वैश्विक व्यापार नियमों के तहत रियायत मिलती है, पर ट्रंप महाराज के इस अद्भुत ज्ञान से एक बात समझ में नहीं आई कि चीन विकसित राष्ट्र तो हो सकता है पर भारत किस नजरिए से विकसित है। क्या अमेरिका को टक्कर देने के पैमाने से कोई देश विकसित देशों की श्रेणी में शुमार हो सकता है? वैसे वर्ष 2016 के जून महीने में ही वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के सभी देशों को कमाई के आधार पर वर्गीकृत किया था जिसमें भारत को लोअर मिडिल इनकम वाले देशों की सूची में शामिल किया गया था जबकि चीन को अपर मिडिल इनकम की श्रेणी में रखा गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि उस वक्त पाकिस्तान को भी भारत के समकक्ष रखा था, चीन के साथ मैक्सिको ब्राजील को भी शामिल किया गया था। दरअसल वर्ल्ड बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जिन देशों का ग्रॉस नेशनल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय $1,045 से कम है उन्हें लो इनकम देश या लो अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया है। जिन देशों में ये आय $1,046 से लेकर $4,125 के बीच है उन्हें लोअर मिडिल इनकम देश कहा गया है। खास बात यह है कि विकासशील देश शब्द का प्रयोग किसी ऐसे देश के लिए किया जाता है जिसके भौतिक सुखों का स्तर निम्न होता है। इसके साथ ही ऐसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था अन्य विकासशील देशों के मुकाबले उन्नत होती है परंतु जिन्होंने अभी तक विकसित देश के संकेत नहीं दिए होते हैं उन्हें नए औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में रखा जाता है। ट्रंप महाराज तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था को पैमाना मानकर ही भारत और चीन को विकसित देशों की श्रेणी में ला रहे हैं। उन्हें यह कहते हुए इतना ज्ञान नहीं आया कि भारत में भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित लोगों की संख्या 36 करोड़ 90 लाख के करीब है। अभी तक देश के दूर दराज के इलाकों में बिजली और सड़कें पूरी तरह नहीं बन पाई है, शिक्षा का स्तर भी अभी बहुत नीचे है। ऐसे में कोई किस आधार पर भारत को विकसित राष्ट्र होने का दावा कर सकता है? चीन विकसित राष्ट्र है यह बात जरूर तर्कसंगत लगती है परंतु भारत के मामले में यह पैमाना उचित नहीं है। यदि भारत की प्रति व्यक्ति आय से उसके विकसित होने का मूल्यांकन किया जा रहा है तो वह गलत है। भारत की प्रति व्यक्ति आय ₹10,534 मासिक है जो यकीनन वर्ल्ड बैंक के सालाना प्रति व्यक्ति आय के $1,046 से ऊपर बैठती है। पर ट्रंप को यह भी देखना चाहिए कि भारत में आज भी 62% लोगों की मासिक आय 8,000 से भी कम है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है, इसके लिए भारत को अभी लंबा सफर तय करना होगा जिसके लिए हमारी तमाम सरकारें निरंतर प्रयास करती रही है। वर्तमान सरकार ने कई लोकप्रिय योजनाएं उस गरीब तबके के लिए धरातल पर उतारी है जो भारत के विकसित राष्ट्र बनने में बाधाओं को दूर कर सकती है, पर फिलहाल भारत विकसित देशों की श्रेणी में बहुत पीछे है। गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम अभी भी प्रगति पर है। वर्ष 2016 तक भारत ने 26 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर चीन के बाद दूसरा कीर्तिमान जरूर बनाया है, पर यह देश विकसित राष्ट्र हो गया ऐसा भी दिखाई नहीं देता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।